नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी ब्रेड पिज्ज़ा, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू कर। ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे दो ब्रेड बड़े साइज के, इनकी साइड को कर देंगे अलग। साइड को अलग करने के बाद लेंगे बेलन और इसे थोड़ा सा कर देंगे बड़ा। इसके बाद लेना है हमें पैन, जिसमें हम बनाएंगे ब्रेड पिज्जा को। पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी। पैन में रख देंगे ब्रेड। ब्रेड रखने के बाद ये ली है पिज्जा सॉस, इसे लगा देंगे ब्रेड पर। सॉस अच्छे से लगा दी है ब्रेड पर। अब ली है कुछ सब्जियां, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, इन्हें इस पर लगा देंगे। सब्जी अच्छे से लगा दी है दोनों ब्रेड पर। अब लेंगे कद्दूकस और ये ली है चीज, ग्रेट करके डाल देंगे चीज को इसमें। पिज्जा में खूब भर भर कर चीज डाल दिया है। अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल है रेडी, तो अब इसे बेक कर लेंगे। पैन को रख देंगे गैस पर और इसे कवर कर देंगे प्लेट से। अब इसे 5 मिनट के लिए बेक होने देंगे अच्छे से। 5 मिनट बाद हमारा पिज्जा हो जाएगा बनकर रेडी। हो गए हैं पिज्जा को बेक होते हुए, प्लेट को हटा देंगे, गैस कर दिया है बंद। पिज्जा अच्छे से बेक हो गया है, चीज भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और ये ऊपर मैंने पनीर डाला हुआ था इसलिए ये ऐसा है, तो अब इसे निकाल लेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ब्रेड पिज्जा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे कट कर लेंगे। पिज्जा को कर लिया है कट, बहुत ही टेस्टी और यम्मी पिज्जा बनकर रेडी है। तो लीजिए आप भी खाइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।